व्हाट्सएप गाइस, दिस वाचिंग एमकेवी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर हैं और आपको ये नहीं पता है कि आपका जीमेल आईडी कौन सा था जिससे आपने अपने इंस्टाग्राम को बनाया था, या फिर आपको ये भी नहीं पता है कि आपका नंबर कौन सा था जिससे आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए थे, आपको पासवर्ड भी नहीं पता है, तो भी कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फिर से एक बार रिकवर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता नहीं है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लाता रहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास यूजर नेम भी नहीं है, आपके पास मोबाइल नंबर भी नहीं है, या फिर आपके पास जीमेल आईडी भी नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि आपका जो यूजर नेम था वो किस नाम से था, आपका जीमेल आईडी किस नाम से था, या फिर आपका मोबाइल नंबर कौन सा था जिससे आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। आप उस अकाउंट को एक बार फिर से रिकवर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आपको उस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपके पास यहाँ पर पासवर्ड भी नहीं है तो भी आप रिकवर कर पाएंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, कहीं पर वीडियो को स्किप नहीं करना है, तभी आप जाकर के इस चीज़ को सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शेयर करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय हमारे पास ना तो यूजर नेम है और ना ही कोई जीमेल आईडी है और ना ही हमारे पास मोबाइल नंबर है। हमें ये सारी चीज़ें कोई चीज़ याद नहीं है और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो अकाउंट है एक बार फिर से ओपन हो जाए, और यहाँ पर मुझे पासवर्ड भी नहीं मालूम है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आपको बस किसी के भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है अपना जो भी आपका कोई फ्रेंड था जिससे आप फ्रेंड जुड़े हुए थे। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड था, वो आपको रिक्वेस्ट भेजा था और आपने उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था, ये आपको याद है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको कोई दूसरा अकाउंट ओपन कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना कोई दूसरा अकाउंट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से किसी के भी अकाउंट से आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने डीपी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए कि आपने उसको फॉलो किया था या फिर आप वो बंदा आपको फॉलो किया था। तो यहाँ पर मैं चलिए मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर उस बंदे को फॉलो किया था। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम देख लेना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ या फिर मुझे याद नहीं है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा और जाने के बाद यहाँ पर मैं देख लूँगा कि हमारा यूजर नेम क्या था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है यूजर नेम, जो यहाँ पर ऊपर आपको यहाँ पर शो करता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं motivational.aman। अब ये मान लीजिए कि आपका यूजर नेम था जिसे आप भूल चुके थे, अब ये आपको यहाँ पर मिल चुका है। अब आपको यहाँ से बैक हो लेना है। बैक होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आपको इस आईडी को क्या करना है, लॉग आउट करा देना है। तो चलिए मैं इस आईडी को लॉग आउट करा देता हूँ। तो यहाँ से आपको यूजर नेम आपको पता हो गया होगा कि आपका यूजर नेम क्या था। तो चलिए सबसे पहले जो आपको यूजर नेम आपको मिला है आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो यूजर नेम था, आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम डाल देना है जो आपने अभी वहाँ पर देखा था। तो यहाँ पर मैंने अपना यूजर नेम डाल दिया। इसके बाद में अब ज़रूरत पड़ेगी आपको अपने पासवर्ड के। तो आपके पास पासवर्ड भी नहीं है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको यहाँ पर नीचे के साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है फॉरगेट पासवर्ड, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका जो यहाँ पर यूजर नेम था या फिर आपका जो जीमेल आईडी था या फिर आपका जो मोबाइल नंबर था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आपके पास सिर्फ आपके पास यूजर नेम है, ना ही आपके पास मोबाइल नंबर है और ना ही जीमेल आईडी है। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है यूजर नेम पर। तो यहाँ पर मेरा जो यूजर नेम था, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं अपने यहाँ पर यूजर नेम को लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे देखना है, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है फाइंड अकाउंट, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर फाइंड अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आप यहाँ पर न्यू पासवर्ड अपना डालिए, यानी अब आपको यहाँ पर अपने पुराने पासवर्ड की ज़रूरत भी नहीं है, आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको यहाँ पर जीमेल आईडी की ज़रूरत है। बस आपको यहाँ पर कोई एक पासवर्ड बना लेना है जो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना एक पासवर्ड डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको नीचे और भी देखने के लिए मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉग आउट ऑफ अदर डिवाइस। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि अगर जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है किसी अदर डिवाइस में अगर पहले से लॉगिन हो वो, तो लॉग आउट यहाँ से कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी भी डिवाइस से आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पर चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से
आपको कुछ थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना होगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो अकाउंट एक बार फिर से इस प्रकार से रिकवर हो जाएगा बिना आपके जीमेल आईडी के, या फिर आपके बिना पासवर्ड के, या फिर आपके बिना मोबाइल नंबर के। तो इस प्रकार से आप किसी भी जीमेल आईडी से या फिर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप इस प्रकार से अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है ये रिकवर हो चुका है। हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद।